सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। वल्ला बेबी, ये क्या होती? ये चार मीनार होती। हम इसको खरीदती। तुम्हारे बाप भी खरीद नहीं सकती। क्या बोलती? हम ये बोलती 1965 में हैदराबाद का निज़ाम लॉरी भर भर के हिंदुस्तान को सोना देती, उसके पैर के जूते का हीरा लंदन की रानी सर पर लगा कर रखती, थी तो सुन जाइए चार मीनार कितना महंगा होती। वल्ला बीबी, हम फिर भी खरीदती। तुम्हारे तिल के बौड़िया, खजूर के बागा और तुम्हारी चड्डी भेजना पड़ती। वल्ला बीबी, तो हम नहीं खरीदती। घर को चलती? चलती। वल्ला बीबी। और शेख कैसा दिखा हैदराबाद? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत होती, बहुत खूबसूरत। और यहाँ का मौसम कैसा दिखा? मौसम हाजा गर्मी शदीद। हमारा नाम खालिद बिन रशीद, हमको दुबई से बुला के भाग गया हमारा फूफो का बेटा खुर्शीद। वल्ला बीबी, हमको खाना मांगती। अरे शेख, मांगते गई को, मैं आपके वास्ते खाने बनाना लगाया, ठहरो जरा। क्या बोलती? वल्ला हबीबी, हम दस्तरखान बिछाती कभी भी। जल्दी करो हबीबी, हमको भूख दबा के लगता है हबीबी। जाओ तुम। वालेकुम शेख। वालेकुम सर भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कौन होती? शेख, ये बहुत काम का बच्चा होती, ज़हीन और दानिशमंद बच्चा होती। अस्सलाम वालेकुम दानिश हबीबी। अरे शेख, इसका नाम दानिश नहीं है, मतलब दानिशमंद मतलब टैलेंटेड और स्मार्ट बॉय बोल रहा हूँ। वल्ला हबीबी, तो फिर इसका नाम क्या होती? इसका नाम अब्दुल गफूर होती। अब्दुल गफूर होती। अस्सलाम वालेकुम या अहले अल-खुबूर अब्दुल गफूर। अरे शेख, इसको अपने कंपनी में रख ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती, बहुत मेहनती बच्चा होती। हम काम देती, हम तुमसे दो सवाल करती, तुम उसका जवाब देती थी, हम तुमको काम देती। पूछो शेख साहब। वल्ला बीबी, तुम हमको बोलो 99 × 9 कितना होती? 891 शेख साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही बोलती, हम तुमको 891 रियाल का तनख्वाह देती। शुक्रिया शुक्रिया शेख साहब। अब दूसरा सवाल। वल्ला बीबी, तुम हमको ये बोल कि 12 × 12 कितना होती है? 144 शेख साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही बोलती, हम तुमको 144 स्क्वायर फीट का रूम देती। अरे शुक्रिया शुक्रिया शेख साहब, शुक्रिया शुक्रिया आपका। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? दूर, अस्तगफुरुल्लाह, हम शेख होती, पठान नहीं होती जो तुम हमारे साथ रिश्ता करती। दूर दूर। अरे शेख, उन्हें शुक्रिया बोलना होती, उसके मुंह से गलती से निकलती। अरे वो गलत बोलती, हमारा पैजामा से निकलती, हम उसको कंपनी में काम नहीं देती, हम तुमको हमारे बागात में काम देती, तुम करती? जी 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 शेख साहब। फिर से दो सवाल करती, तुम जवाब देती सही, जी जी हम जी तुमको जी काम देती। पूछो शेख साहब। करती? जी जी जी। वल्ला बीबी, तुम हमको बताओ 1 डज़न केला में कितना केला होती? अरे 12 शेख साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही बोलती। दूसरा सवाल। वल्ला बीबी, तुम हमको बताओ कि आसमान में कितना तारा होती? अरे शेख साहब, जितने सर में बाल होती उससे ज्यादा होती। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही बोलती, माशाल्लाह, हम तो बोलती तुम कमाल का बच्चा होती। अरे शेख, कमाल का नहीं जमाल का बच्चा है। तुम खबीस का बच्चा होती। अरे शेख, मैं खबीस का नहीं रमीस का बच्चा होती। बेवकूफ होती तुम, हम ये बोलना चाहती कि ये बहुत स्मार्ट बच्चा होती, टैलेंटेड लड़का होती। अभी भी तुम कल कागजात लेके आओ, हम तुमको पासपोर्ट देगा कभी भी। शुक्रिया शुक्रिया शेख साहब, शुक्रिया। गली बली, दूर। गलीस, तुम रिश्ता की बात करती, गंदा बच्चा होती ऐसे। ए शेख, ऐसे लो। वल्ला बीबी, वो कौन होती हमारे बात चुप चुप के सुनती? शेख, ये मेरे दोस्त होती। तो वहां क्या करती? इधर बुलाओ। इधर आ, इधर आ शेख साहब से मिल। इधर आ। वालेकुम अस्सलाम। कौन होती? शेख, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अक्लमंद आदमी है, एजुकेटेड पर्सन है। अपने लॉकडाउन में जो है कारोबार ख़राब हो गया रिसेंटली, बहुत अच्छा डाला था, और खाने को राशन भी नहीं है। राशन नहीं होती? खाने को खाना नहीं होती? हमारा पड़ोसी होती, हमारे घर में रोज अच्छा अच्छा खाना पकती, और हमारा पड़ोसी भूखा सोती। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा, हमारा पड़ोसी भूखा होती और हम 3 टाइम फुल खाना खाती? गलत गलत। वन सेकेंड,
वन चिकन अशर हर्ट्स हमारे पैसे इधर होती शेख हबीब टेक दिस टेक दिस शेख साहब पैसे नहीं ये क्या करती बोला अभी हम पैसा देती हमको मना करके हमारे जलील करती शेख को जलील करती तुम पैसा लेती देख टेक दिस अब तुमको पूरा पैसा लेना पड़ती टेक दिस टेक दिस टेक दिस अरे ले रे भाई शेख गुड एक काम कर दे तुमको पैसा कम पड़ती पूरा राशन बीवी बच्चा वाला होती हाँ शेख साहब बीवी वाला बच्चा होती हाँ शेख साहब तो उसको पैसों की अभी जरूरत पड़ती एक काम करो बीवी बीवी तुम एक काम करती तुम कि पूरा पैसे लेती बीवी बच्चों को पूरा ईद का सामान लाती ईद उल फितर मनाती टेक दिस तुम हमको मना करके वहां को जलील करती वल्ला अभी भी हम तुमको पत्थर पे तो मारती टेक टेक दिस वल्ला का मिस्टर एक्सेस बस बस ले रहे हो से को मना करके जलील करती अभी भी हमारी बात सुनो तुम कल ये पहले हमको पहले बहुत अच्छा इंसान दिखती ये बंदा हमको तेरा मासूम लगती उसके चेहरे से बहुत अच्छा इंसान दिखती हाजा शरीफ अरे शेख साहब शरीफ नहीं आरिफ है तुम बेवकूफ है हमारा मतलब ये बहुत अच्छा इंसान होती गुड पर्सन अभी भी तुम एक काम करती हम तुम हमारे साथ दुबई चलती गुड हम तुमको लेके चलती तो तुम एक काम करती कल पूरा कागजात के साथ कल बाद नमाज जुमा तुम हमारे पास आती हम तुमको पूरा काम करती वीजा के साथ दुबई लेके जाती हम आपको पूरा कुएं का पूरा काम देती करती खुदा हाफिज गुड शेख हमको भूख लगती खाना मांगती अरे शेख खाना रेडी है चलो दस्तरखान बिछा हुआ है कब बोलती शेख चलो 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 भूख लगती आओ शेख तुम अंदर बैठती मैं अब भी आरिफ से मिलके आती जल्दी आती हम अकेला खाना नहीं खाती आती तो अरे रुक रुक कहाँ जा रहा रुक पूरे डेढ़ देखा मैं पूरे निकाल देखा भाग जा रहा हूँ मैं देता हूँ रे रुक निकाल निकाल जल्दी क्या रे क्या बोल रहा था शेख इन्हों बहुत अच्छे है इन्हों बहुत भोले है समझदार है दीवाना है ने दो मिनट में 1.5 लाख रुपए तोड़ लिए उसकन से अरे उन्हें सोने की मुर्गी है जितना उसको दाना डालेंगे उतने अंडे देगा उन्हें पूरे अंडे होना अपने को सोने के क्या बोल रहा हूँ मैं अरे भाई फिर पूरा शहर घुमाना है दो पेटी लाया पूरी खाली करना है मैं तो दो ब्रीफकेस लाया हाँ एक रुपया पछनाने दे कुछ जल्दी जल्दी बाट फिर अपने को शेख देखा तो बहुत मुश्किल हो जाता देख चले अपन दोनों एक साथ नहीं रह सकते तेरे निकाल के रखा सो पूरे बराबर है ना और इन्हों को तो ऐसी करना मालूम इन्हों अपने पुट्टों को भी लग जाके उधर क्या कर रही एक नौकरी बोल के लग जा रही एक नौकरी पे रख रही ऊँटा चराने लगा रही बकरियाँ चराने लगा रही खजूर के बागों में काम करने लगा रही और पहले बोल रहे 4000 रियाल की सैलरी है बोल रहे जाके 1500 रियाल दे रही हाँ। इन्हों को तो पूरा साफ कर देना शेख आप सही नहीं है रे भाई सुना ठीक है चल अपन दोनों को दे रहा तो फिर उन्हें कुछ अलग समझ ले रहा हाँ ठीक है चल चल जरूरत रहे तो गुलाम मेरे को फिर आता हूँ तुम हमारे साथ गद्दारी करता कभी भी हम तुमको भरोसा मंद समझा हम तुमको भोला इंसान समझा मगर तुम हरामी निकला तुम खबीज का बच्चा निकला ये रमजान के मुबारक महीने में तुम हमारे साथ धोखाधड़ी करती अरे शेख अरे तुरे क्या बोलती शेख तुम हमारा पूरा भरोसा का माबैन करती तुम हमको क्या बोलती सोने का मुर्गी बोलती कभी भी हम पूरा इंसान सोने का होती हम तुम्हारा मासूमियत तुम्हारा परेशानी देख के हम तुमको दिल से पैसा देती रमजान के मुबारक महीने में तुम हमारे साथ धोखाधड़ी करती तकलीफ होती शेख माफी चाहते गलती हो गई शेख माफी तुम हमसे मांगती माफ करने वाली जात अल्लाह की होती तुम अल्लाह से माफी मांगती हम कौन होती हम तो मामूली से इंसान होती लोगों की मदद करने का सोचती और तुम हमारे साथ धोखाधड़ी करती तौबा तौबा हराम काम करती
हराम का खाती तो जहन्नम में जलती, दोजख की आग में जलती। देने वाले जात ऊपर वाले की होती, तुम नीयत साफ रखती तो तुमको किधर से भी काना मिलती। कभी भी हम तुम पे भरोसा करके गलती करा, कभी भी लाहौल वाला अख़वत हम अगली बार तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। माफ कर दो शेख, गलती हो गई। अभी भी माफ करने वाली जात तो अल्लाह की होती, हम क्या माफ करती। तौबा करना है तो अल्लाह से करो, हमसे नहीं। तौबा तौबा, तुम्हारे जैसे इंसान को हम हमारा दोस्त समझा, तुम्हारे पास आके रुकी। खली वाली हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। शेख शेख रुको, शेख शेख।